नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द बंगाल राइडर। मैं हूं आपका दोस्त अरिजीत, और अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मिल सके मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो दोस्तों, आज हम होंडा की जो ग्राजिया स्कूटर है, जो बिल्कुल नया ही एक स्कूटर होंडा ने लॉन्च किया है, और ये बिल्कुल एक यूथ सेंट्रिक डिज़ाइन है। जेन वाई को टारगेट करके इस स्कूटर को बनाया गया है। हालांकि कोई भी इसे चला सकता है, लेडीज़ चला सकते हैं, बुजुर्ग लोग भी चला सकते हैं, और ये काफ़ी एक फीचर लोडेड स्कूटर है जिसमें कि फुल LED हेडलैम्प्स, टैकोमीटर, फुल डिजिटल डिस्प्ले और काफ़ी सारे आकर्षक फीचर्स के साथ ये स्कूटर आता है। तो दोस्तों, आज हम लोग इसी बारे में बात करेंगे, और प्राइस, माइलेज और स्कूटर के हर एक जो फीचर्स हैं वो मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप इसका डिज़ाइन देख सकते हैं, बहुत खास और बहुत ही शार्प डिज़ाइन के साथ ये बना है। पीछे आप देख सकते हैं बॉडी कलर स्टील स्प्लिट ग्रैब रेल्स और DO जैसा बैक लुक इसमें दिया गया है बैक लाइट का। अगर आप इस लॉक सिस्टम देखें तो 4-in-1 लॉक है, और इसका आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी देख सकते हैं, फुल डिजिटल है, और इसमें एक टैकोमीटर दिया जाता है जो कि किसी भी स्कूटर में नहीं है। टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, क्लॉक, फ्यूल इंडिकेटर और 3-स्टेप इकोमीटर के साथ ये स्कूटर आपको मिलेगा। अब देखिए, ये जो तीन आप जगह दिख रहे हैं इसमें ग्रीन कलर का लाइट ब्लिंक करेगा, और तीनों लाइट जब ब्लिंक करेगा तब आप सबसे अच्छी तरह से इस स्कूटर को चला रहे हैं, यानी से हाई फ्यूल एफिशिएंसी आपको इससे मिल जाएगा। इसका मिरर्स को आप देख सकते हैं, काफ़ी स्टाइलिश मिरर्स है, अच्छा व्यू आपको मिल जाता है पीछे का, और इसका स्विच गियर्स भी डिसेंट है, लेकिन एक पास बटन स्विच इसमें मिसिंग है जो कि मिलना चाहिए था। आप देख सकते हैं इसका जो स्विच गियर्स है वो काफ़ी डिसेंट है, हर एक स्विच आपको मिल जाता है। अब अब देख लीजिए, यहाँ से आप सीट ओपन कर सकते हैं, एक स्विच दिया गया है, और ये 4-in-1 लॉक सिस्टम है, और ये शटर लॉक इसमें दिया गया है ताकि आपका जो स्कूटर है वो चोरी के हाथ से बच जाए और कोई भी चाबी से ये और ओपन ना हो। इसका अंडर सीट स्टोरेज आप देख सकते हैं, 18 का अंडर सीट स्टोरेज इसमें दिया गया है, और फ्यूल टैंक भी अंडर सीट है। इसका जो फ्यूल कैपेसिटी है वो 5.3 लीटर्स का है। 18 लीटर्स का अंडर सीट स्टोरेज ठीक ठाक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि कम है या ज़्यादा, ठीक ठाक है। और पीछे बॉडी कलर ग्रैब रेल्स दिया गया है जो कि बहुत ही स्टाइलिश है, आप कुछ भी इसमें हैंग करके ला सकते हैं। दोस्तों, इसका जो इंजन है वो वही एक्टिवा का, एक्टिवा 125 का 4-स्ट्रोक फैन कूल सिंगल सिलेंडर HET इंजन है, 124.9 सीसी का, यानी कि 125 सीसी का इंजन है। और इसका जो पावर है दोस्तों वो 8.52 BHP एट 6500 RPM और 10.54 न्यूटन मीटर टॉर्क एट 5000 RPM आपको मिल जाता है। इसका जो सीट है वो काफ़ी अच्छा है, कुशनिंग भी अच्छा है सीट का। इसका फ्रंट लुक को अगर देखें तो सामने आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और 90x90 का टायर मिल विंच का। अब ये जो स्कूटर आप देख रहे हैं ये तीनों वेरिएंट में आपको मिलता है, एक है स्टैंडर्ड विद ड्रम ब्रेक्स, उसमें आपको स्टील रिम्स मिलता है, और एक है अलॉय, उसमें आपको अलॉय रिम्स मिलता है विद ड्रम ब्रेक्स, और एक है डीलक्स वेरियंट, उसमें आपको अलॉय के साथ साथ एक डिस्क भी मिलता है। इसमें आप कॉम्बी ब्रेक देख सकते हैं जिससे कि पीछे का ब्रेक दबाने से सामने का ब्रेक भी कुछ हद तक एंगेज हो जाता है। तो ये इक्वलाइजर के साथ आता है जो कि होंडा का पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, और इक्वलाइजर का काम है ब्रेक फोर्स को इक्वली दोनों व्हील्स में डिस्ट्रीब्यूट करना ताकि आपका ब्रेकिंग और भी इम्प्रूव हो जाए। इसमें एक हुक भी दिया गया है ताकि आप आपके सामान टांग कर इसमें ला सकें। तो सामने आप 130mm का ड्रम ब्रेक मिल जाएगा, और ऑप्शनल 190mm का डिस्क मिल जाएगा, और पीछे 130mm का ड्रम ब्रेक्स आपको मिल जाएगा। सामने आप देख सकते हैं एक स्टोरेज स्पेस भी दिया गया है जिसमें आप अपना मोबाइल, छोटा मोटा सामान आप रख सकते हैं, और अंदर एक USB स्टोरेज का ऑप्शन मिल जाता है। आप अपने फ़ोन या फिर छोटा मोटा कोई पावर बैंक या फिर कुछ आप इसमें चार्ज कर सकते हैं। इसमें एक पार्किंग ब्रेक भी आता है दोस्तों, आप देख सकते हैं। इसका लुक एंड फील बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है, और पीछे ग्राजिया का 3D एम्ब्लेम आपको मिल जाता है। पीछे का टायर अगर देखें तो ये 10 इंच के टायर हैं, और ये 90x100 टायर्स हैं, और दोनों ही आपको ट्यूबलेस टायर इसमें मिल जाएगा। पीछे का लुक तो DO से लिया गया है, और ये बाइक देखें बहुत ही स्टाइलिश है। इसका जो कर्व वेट है वो 106 kgs है ड्रम वेरिएंट का, और 107 kgs है डिस्क वेरिएंट का। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है दोस्तों वो 155mm है, इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से ठीक ठाक है। और इसका जो सस्पेंशन है वो सामने टेलीस्कोपिक और पीछे स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक सस्पेंशन दिया गया है। पीछे का टेल लैंप आप देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी बड़ा है, और इसका इंडिकेटर्स भी
बॉडी के साथ इंटीग्रेटेड क्लियर लेंस इंडिकेटर्स है। अब देखिए इसका जो मीटर है वो बहुत ही स्टाइलिश है, और मैं मीटर को आपको फिर से दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं फुल्ली डिजिटल मीटर्स है इसमें। ये देखिए मैं ऑन करता हूँ और आप देख सकते हैं ऊपर के जो 3 ग्रीन लाइट्स है वो 3 स्टेप इको मीटर इसमें दिया जाता है। इसका जो व्हील बेस है दोस्तों वो भी ठीक ठाक है, 1260 mm का, ताकि आपको टर्निंग लेने में कोई दिक्कत ना हो। इसका माइलेज अकॉर्डिंग टू यूजर फीडबैक 40 से 45 किलोमीटर्स पर लीटर आपको मिल जाता है, ठीक ठाक है अपने सेगमेंट के हिसाब से। और इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी हो तो मैंने पहले ही आपको बता दिया 5.3 लीटर है, और फुल LED हेडलैम्प्स के साथ याद है। ये देख सकते हैं दोस्तों कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है, और आप सामने देख सकते हैं फुल LED हेडलैम्प्स के साथ ये बाइक का ये जो स्कूटर है वो आता है, और सेगमेंट का किसी भी और स्कूटर में ये आपको अवेलेबल नहीं है। फुल LED हेडलैम्प्स विद LED पोजिशन लैम्प्स के साथ ये आता है, और ये इल्यूमिनेशन रात का जो इल्यूमिनेशन है वो बहुत ही अच्छा है। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है 155 mm है, और इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी सारे फीचर्स इसमें दिया गया है, अब 2-3 लोग आराम से इसमें बैठ सकता है। इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है दोस्तों वो स्टैंडर्ड वेरिएंट का है 61,690 रुपीज़, एलॉय का है 63,621 रुपीज़, और जो डीलक्स वेरिएंट है जो डिस्क ब्रेक और एलॉय व्हील्स के साथ आता है वो है 66,062 रुपीज़। मैं नीचे आपको वीडियो में ही आपको दिखा दूंगा, डिस्प्ले कर दूंगा प्राइस एक्स शोरूम कोलकाता। अगर आप लेना चाहते हैं ये स्कूटर काफ़ी सारे कलर्स में अवेलेबल है, आप टेस्ट राइड करके ले सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कभी, तब तक के लिए राइड सेफ एंड गुड बाय, थैंक यू। इंडिकेटर जाना।